हेलो प्यारे विद्यार्थियों, 10th क्लास दी इंग्लिश दी बुक, इंग्लिश मेन कोर्स बुक, लेसन नंबर 5, सम ग्लिम्सेज ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन थॉट एंड प्रैक्टिसेस। इस लेसन दी ग्रामर एक्सरसाइजेज इस वीडियो विच करन जा रहे हां। सो तुसी सारे नोटबुक अते पेन लेके आंसर्स नु नोट डाउन कर लो। वीडियो नु बड़े ध्यान दे नाल देखो अते सुनो ते मगरों दी इन एक्सरसाइजेज नु बिना देखे अपने आप करन दा अभ्यास जरूर करो। सो शुरू करिए। अगे वधन तो पहले प्यारे विद्यार्थी दसदा कि इसी चैनल के उत्ते तुहाडी 10th इंग्लिश लिटरेचर बुक, 10th इंग्लिश ग्रामर, 10th साइंस इंग्लिश मीडियम विच ते 10th मैथ इंग्लिश मीडियम विच ए सारियां हल कर दित्तियां गईयां ने ते 10th जिहड़ी 10वीं गणित जिहड़ी है पंजाबी मीडियम वो भी शुरू कर दित्ती गई है। सो तुसीं इहनां प्लेलिस्टां ते जाके अपने लोड़ींदे वीडियोज़ इहनां विषयां दे भी देख सकदे हो। सो पहला भाग है बच्चों फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द मॉडल्स माइट शुड और मस्ट। सो ये तीन है चोन दी इन्होंने माइट शुड और मस्ट इन्हों चो असी वर्तना है। सो देखते हैं योर फ्रेंड सैड यू डिडन नीड टू बाय हर एनी थिंग फॉर हर बर्थडे। अर्थात तेरी सहेली ने कहा कि तेनों वो जन्मदिन के लिए कोई वह खरीदने की लड़ कोई तोहफा खरीदने की लड़ नहीं तू कह रही है। बट हूँ इंसिस्टेंस इंसिस्टेंस होंगे किसी गलते जोर देना, ठीक है। सो असी इन्होंने इशारा कर दिता है कि तुसी शुड नहीं वर्तना इतने, जिते इंसिस्टेंस हो जाए फिर असी मस्ट वरत रहे हैं। बट यू मस्ट एटलीस्ट गैट हर सम फ्लावर्स। मतलब एक फ्रेंड दूजी कह रही तीजी बारे भी तू कहनी है भी तेरी मित्र ने तेरी सहेली ने कहा तेन कि तेन और बर्थडे दे कुछ लैन की लड़ नहीं हैगी पर तेन घट तो घट वो कुछ फुल तो लै लेने चाहिए हैं घट तो घट, ठीक है ना। एटलीस्ट घट तो घट भी जोर दे के कह रही सलाह दे रही भी होर कुछ नहीं तो फुल तो ले ही जा, फुलां दा एक जिदा बुके हुंदा गुलदस्तन दा वो लै जाई। फिर अंजू सैड शी वॉज रियली बिजी दिस वीक। अंजू ने कहा कि वह इस हफ्ते वाकई बहुत मशरूफ सी, बहुत रुझे रुझेव्या फसी हुई सी। बट आई थिंक पर मैं लगता शी माइट शो अप एट द पार्टी, पर मैं लगता शायद वो माइट मैंने एक संभावना हैगी है शी माइट शो अप एट द पार्टी। शो अप मैंने नजरी पै जाए उत्थे आ जाए। शी माइट शो अप एट द पार्टी समागम में आ जाए दावत में आ जाए इफ शी डजेंट हैव टू वर्क ओवर टाइम। जे उन्होंने कितने लोड़ तो वध कम ना करना पिया ओवर टाइम ना लाना पिया तो शायद वो आ जाए। माई हसबेंड सैड मेरे पति ने कहा ही वुड कम ओवर राइट आफ्टर ओवर ही वुड कम ओवर मतलब कि वो आ जाएगा राइट आफ्टर वर्क कम तो सीधा जो कि ना राइट आफ्टर वर्क अर्थात कम तो सीधा इतने आ जाएगा। सो ही शुड बी हेयर बाय 6:00। सो इस हिसाब न शुड भी उन्होंने होना चाहिए है भी जिदा अंदाजा होंगे ना भी रोज़ का रूटीन इदा है। उन्हें कहा कि वह कम तो बाद सीधा घर आ जाएगा उन्हें होर कितने नहीं जाना तो उस हिसाब ना उन्होंने फिर 6 बजे इतने होना चाहिए है। जब इदा की गल हो ना भी एक भविखबाणी हो किस्म की भी जेदे एक रूटीन बनया हो कि पता है कि उन्हें हुण तुरिया है तो इन्नी घर दूर है होर कितने उन्हें नहीं जाना तो इन्ने बजे तक वो पहुँच जाएगा तद असी यह वरत रहे हैं ही शुड बी हेयर बाय 6 भी 6 बजे तक उन्होंने इतने हो जाना चाहिए। डोंट मूव हर उन्होंने ना हिलाओ शी माइट बी हैविंग सम इंटरनल इंजरीज बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने करके हो सकता है वो कोई अंदरूनी सट्टा लगिया हो। आम तौर पर जल्द कोई फटड़ हो जाता एक्सीडेंट होता बंदे बड़े काली च मदद करने की मंशा के नाल शरीर नूं हिलांदे ने कि वह कई बार की होंदा वो मदद करन की बजाय उन्हां दा उस बंदे दा ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कई बार नर्व जड़ियाँ प्रेस हो जांदियां ने ते अधरंग हो जाता है या डैमेज ज़्यादा हो जाती है। सो सिर्फ फस्ट एड वाला काम करना चाहिए है तो डॉक्टर के आन की उड़ीक करनी चाहिए जो फिर स्ट्रैचर से पा के बंदे ले जाते हैं खिच धू नहीं करनी चाहिए। सो एक इतने चंगी गल भी हैगी सीखने मिलती है प्रैक्टिकल। कोई कह रहा है डोंट मूव हर उन्होंने ना हिलाओ शी माइट बी हैविंग सम इंटरनल इंजरीज। इंजरीज होती हैं सट्टा इंटरनल मैंने अंदरूनी जो बाहर नज़र नहीं आ रही हो सकता है माइट भी मैंने संभावना हो सकता है वो कोई अंदरूनी सट्टा लगिया हो बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट इस हादसे करके। फिर अगला गया यू मस्ट बी जोकिंग। मैं लग रहा तू मजाक कर रहे हैं जो असं पंजाबी जिदा कहने मैंने तो लग रहा तू मजाक कर रहे होना कि इदा हो नहीं सकता। सो कहने यू मस्ट बी जोकिंग योर ट्रिप टू यूरोप। ट्रिप मैंने यात्रा यूरोप नू मस्ट हैव बीन एब्सोल्यूटली फैसिनेटिंग। मैंने तो लगता यूरोप की यात्रा बड़ी ही कमाल की रही होनी है, ठीक है।
यू शुड नॉट वरी सो मच, तेनू इन्नी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। योर फादर विल बी ऑल राइट, तेरे पिताजी ठीक ठाक होंगे, कोई ऐसी गल ज्यादा फिक्र ना कर। द डॉक्टर सेज दैट यू मस्ट यूज ग्लव्स, हूँ मस्ट होना जरूरी है क्यों लाजमी है, ग्लव्स टू अवॉइड स्किन इरीटेशंस, अर्थात चमड़ी दे समस्यावां नूं रोकण लई, बचण लई समस्या नूं। ते डॉक्टर कहिंदा है कि तुहानूं दस्ताने जरूर वरतने चाहीदे हन, मस्ट है ते जरूर वरतने चाहीदे हन, तां कि स्किन इरीटेशन कोई कैमिकल्स राहीं या बाहरले जिहड़े कोई रसायनिक पदार्थ हुंदे ने उहनां नाल चमड़ी दी समस्यावां ना होण। यूअर शॉपिंग एट द मॉल शुड कॉस्ट यू अ फॉर्च्यून, कि तू मॉल दे उत्ते मॉल दी मॉल कोई होना है स्पैशल बनया, तो जिथे ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਦੀ ਮੋਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਹਮ ਯੂਅਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਮੋਲ ਸ਼ੁੱਡ ਕੋਸਟ ਯੂ ਆ ਫੋਰਚੂਨ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਚੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਵਾਹਵਾ ਤੈਨੂੰ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਮਤ, ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ, ਅਰਥਾਤ ਤੇਰਾ ਉਸ ਮੋਲ 'ਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਦੀ ਮੋਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ੁੱਡ ਕੋਸਟ ਯੂ ਆ ਫੋਰਚੂਨ, ਕੋਸਟ ਯੂ ਆ ਫੋਰਚੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚੰਗਾ ਜੇਬ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੂਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਹੀ ਸਵੋਰ ਬਾਏ ਗੋਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨੋਸੈਂਟ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਦੋਸ਼। ਸਵੋਰ ਬਾਏ ਗੋਡ ਮੈਨੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਾਈਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਗੋਡਸ ਐਂਡ ਦੀ ਡੀਮਨਸ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ ਤਦ ਬਿਟਵੀਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਅੱਗੇ ਬਿਟਵੀਨ ਅਤੇ ਅਮੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਗੋਡਸ ਜੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਦੇਵਤੇ, ਡੀਮਨਸ ਦੈਂਤ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਾਈਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਗੋਡਸ ਐਂਡ ਦੀ ਡੀਮਨਸ, ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਦੇ ਲਿਵ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸੇਮ ਰੂਫ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੂਫ ਇਹਨੇ ਛੱਤ। ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਵਿਦ ਪਲੇਜਰ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ ਫੂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਬੋਇਜ਼, ਇਹ ਖਾਣਾ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੋ, ਦੋ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਟਵੀਨ ਆਏਗਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਟਰੁੱਥ ਇਨ ਵਟ ਸ਼ੀ ਜਸਟ ਸੈਡ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੁਹਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਟਰੁੱਥ ਇਨ ਵਟ ਸ਼ੀ ਜਸਟ ਸੈਡ, ਜਸਟ ਸੈਡ ਮੈਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣੀ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਸਟੂਡ ਲੀਨਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਵਾਲ, ਲੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗੇਂਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਲੀਨ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦਾ ਢਾਸਣਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਸਣਾ ਲਾਏ ਖੜੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਸਟੂਡ ਲੀਨਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ ਲੀਨਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੀਨਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਵਾਲ, ਸ਼ੀ ਸਟੂਡ ਲੀਨਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਵਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਕੰਧ ਨਾਲ ਢਾਸਣਾ ਲਾਏ ਖੜੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟ ਦੀ ਲੈਟਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਡੋਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕ ਉਹ 'ਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਛਿੱਠੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਲਿਫਾਫਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟ ਦੀ ਲੈਟਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਡੋਰ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂ ਖਿਸਕਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਬੋਇਜ਼ ਰੈਨ ਅਕਰੋਸ ਦੀ ਰੋਡ, ਅਕਰੋਸ ਮੈਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੰਡੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਦੌੜੇ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੌੜੇ। ਕਲਾਈਮ ਅਪ ਦ ਟ੍ਰੀ ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਮੈਂਗੋਜ਼, ਅਰਥਾਤ ਅੰਬ ਖਾਣ ਲਈ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਚੜੋ, ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਐਂਬੋਜ਼ ਅੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲਾਈਮ ਅਪ ਦ ਟ੍ਰੀ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੜੋ, ਅਰਥਾਤ ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੋ ਅੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ, ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿਦ ਦੀ ਸੂਟੇਬਲ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏ ਐਂਡ ਦੀ, ਏ ਅਤੇ ਐਨ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਨਾਊਨ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਊਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਹੋਏ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ,
क्लैरिटी बढ़ दी जाएगी। सो वंस अपॉन अ टाइम, एक बारी दी गल है, देयर वॉज एन ओल्ड, हम देखो ओल्ड जिदा कि लिखांगे उड़े नू ओहड़ा। सो उड़े तो शुरू होंगे, देयर वॉज एन ओल्ड वूमेन, एक बुजुर्ग औरत सी, हू लिव्ड इन अ लिटल हाउस, एक छोटे जे घर विच रहिंदी सी। शी हैड इन हर गार्डन अ बेड ऑफ ब्यूटीफुल स्ट्राइप्ड ट्यूलिप्स। ट्यूलिप बच्चों एक फुल होंदा है, कई रंगों में आंदा है, एक कप वांगू बनया होंदा है या घंटी वांगू, जिदा स्कूलों की घंटी नहीं होंदी, वो पुठी लमकी होंदी है, तो घंटी नूं इदां मूंह उत्ते नूं कर दो, तो फुलों की पंखड़ी इदां होंदी है कि जिदा घंटी होंदी है, उन्हें ट्यूलिप्स कहते हैं। तो अलग अलग रंगों के होंगे ने, तो झरियां वाला, झरियां वाले ट्यूलिप्स का सोहने ब्यूटीफुल। इतने बैड का मतलब बिस्तरा नहीं है बच्चों, जो बगीचे क्यारी नहीं होंगी, क्यारियाँ उन्होंने भी असं बैड कहने। हम देखो इदा जल्द अंग्रेजी पढ़ते हैं या शब्द पढ़ते हैं, हम देखो साढ़े अंग्रेजी पंजाबी भी एक शब्द के किन्ने अर्थ होंगे ने, वट कपड़िया जल्द पैजन वट पै गए है ना, फिर जी खेतों की वट उन्हें भी वट कहने, ढिड च कोई मरोड़े पैण कहते ढिड च वट पै रहा है ना, हवा ना चलती हो, पसीने आ रहे, गर्मी हो, कहते अच्छ बड़ा वट है, ठीक है तू मत्थे दे कहते वट पाए हुए हैं। सो वट शब्द के किन्ने अर्थ है ने, इस तरह अंग्रेजी विच भी होंगे, हर बोली च होंगे, एक शब्दों के संदर्भ के हिसाब न कई अर्थ होंगे ने। सो शी हैड इन हर गार्डन वो अ बेड ऑफ ब्यूटीफुल स्ट्राइप्ड ट्यूलिप्स, वो बगीचे के विच एक झरी वाले ट्यूलिप्स के फुलों की बड़ी सोहनी एक क्यारी सी। वन नाइट, एक रात, शी वॉज अवेकन बाय दी साउंड ऑफ स्वीट सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, एक दिन एक रात नूं बड़ी मिठी पंछियों के गाने की आवाज़ के नाल जाग खुली, शी वॉज अवेकन मैंने वो जाग खुल गई, कहते करके दी साउंड्स आवाज़ा स्वीट मिठी, सिंगिंग मैंने गाने की ऑफ बर्ड्स, पंछियों के गाने की मिठी आवाज़ करके वो नींद खुली, एंड दी साउंड ऑफ सम बेबीज लाफिंग, ते नाल ही कुछ छोटे न्याणियों की बच्चों के हसण की आवाज़ों के नाल। शी लुकड आउट ऑफ द विंडो, उन्हें अपनी ताकी तो बाहर देखिया, ठीक है खिड़की दोबारा देखिया, ताकि दोबारा देखिया, दी साउंड सीम्ड टू कम फ्रॉम दी ट्यूलिप बेड, इवें जापदा सी कि आवाज़ा जड़ियां ने वो ट्यूलिप दे जिहड़े फुल सी उहदी क्यारी उच्चों आ रही सी। बट शी कुड सी नथिंग, पर उन्हों कुछ नजर ही नहीं पिया, उन्हों कुछ नजर नहीं आया। दी नैक्सट मॉर्निंग, अगली सवेर, शी वॉकड अमंग दी फ्लावर्स, वो फुलों के विच तुरी फिरी क्यारी दे विच गई, बट देयर वर नो साइंस ऑफ एनी वन हैविंग बीन देयर दी नाइट बिफोर, पर उत्थे किसी दा भी बीती रात लंघी रात किसी दे आण दे कोई निशान नहीं सी, कोई पैर दे निशान होण या कोई होर कोई ए सबूत होवे भी कोई आया, किसी ने छेड़खानी कीती है, कोई नामो निशान नहीं सी किसी चीज़ का, देयर आर नो साइंस, कोई निशान नहीं सके ऑफ एनी वन, किसी दे भी आए, हैविंग बीन देयर नाइट बिफोर, लंघी रात कोई उत्थे आया गया होवे इस गल का कोई इशारा नहीं सी उत्थे। ऑन दी फॉलोइंग नाइट, फिर जड़ी अगली रात आई, शी वॉज अगेन अवेकंड, वो फिर नींद खुल गई बाय द सेम साउंड्स, उन्हें ही आवाज़ों के नाल, शी रोज उठी एंड स्टोल, हुण बच्चे देखो स्टोल दे भी दो मतलब होंगे ने, ए मूल शब्द है स्टील, स्टील का मतलब होंगे एक तरह चोरी करनी, तो एक स्टील का होल मतलब भी होंगे मठे मठे पैरों तुरना, ताकि चोरी चोरी तुरना, हौली हौली तुरना, भी किसी को बिड़क ना हो। सो इतने स्टील जड़ा है वो स्टील की सैकेंड फॉर्म हैगी स्टोल, तो इतने स्टोल का चोरी नहीं है, स्टोल का मतलब चोरी चोरी तुरना, भी हौली हौली तुरना, भी रौला ना पवे, आवाज़ ना पवे, किसी बिड़क ना आवे। सो शी रोज़ अर्थात क्योंकि उठी लम्मी भी उसी जाग खुली, शी रोज़ मैंने उठी एंड स्टोल सॉफ्टली, ते पोले पोले चोरी चोरी तुरी थ्रू दी गार्डन बगीचे दे विच, ते उत्थे की देखिया, दी मून वाज शाइनिंग ब्राइटली ऑन दी ट्यूलिप बेड, जिहड़े ट्यूलिप दे फुल सी उहदी क्यारियां दे उत्ते, उहदी क्यारी दे उत्ते जिहड़ा चंद्रमा है वो बड़े लिशका मार रहा सी, बड़ी जोर नाल चमक रहा सी। एंड दी फ्लावर्स वर स्वेइंग टू एंड फ्रो, स्वेइंग मतलब झूटे लाने, झूटने जिहदा हवा दे नाल, जिहड़े फुल सीगे वो अगे पिछे टू एंड फ्रो, अगे पिछे झूटते पे सी। दी ओल्ड वूमेन लुकड क्लोजली, वो बुजुर्ग बीबी ने ध्यान नाल देखिया, ध्यान मारिया, लुक टू ध्यान मारिया, एंड सॉ ते देखिया, स्टैंडिंग बाय ईच ट्यूलिप, हर एक फुल दे कोल खड़ी सी अ लिटल फेरी मदर, एक परियां दी माँ, एक परी माँ, ठीक है, एक छोटी परी माँ खड़ी सी, हु वॉज क्रूनिंग, हुण क्रून होंदा बच्चों
ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਗਾਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਰੂਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅ ਲਿਟਲ ਫੇਰੀ ਮਦਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰੀ ਮਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ, ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੌਫਟਲੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਰੂਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਰੌਕਿੰਗ, ਰੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਦੀ ਫਲਾਵਰ ਲਾਈਕ ਅ ਕ੍ਰੇਡਲ, ਕ੍ਰੇਡਲ ਹੁੰਦਾ ਭੰਗੂੜਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭੰਗੂੜੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਲ ਇਨ ਈਚ ਟਿਊਲਿਪ ਕੱਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬੱਚੋ, ਟਿਊਲਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੰਟੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਲੇ ਅ ਲਿਟਲ ਫੇਰੀ ਬੇਬੀ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਲਾਫਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੇਇੰਗ, ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੀ ਗੁੱਡ ਓਲਡ ਵੁਮੈਨ ਸਟੋਲ ਕੁਆਇਟਲੀ ਬੈਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਸਟੋਲ ਕੁਆਇਟਲੀ ਬੈਕ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਾਪ, ਮਤਲਬ ਕੁਆਇਟਲੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ, ਮੱਠੇ ਮੱਠੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੈਕ ਟੂ ਹਰ ਹਾਊਸ, ਉਹ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਪੁੱਠੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਔਨ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਸ਼ੀ ਨੈਵਰ ਪਿਕਡ ਆ ਟਿਊਲਿਪ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਟਿਊਲਿਪ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਨੋਟ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਅਲਾਉ ਹਰ ਨੇਬਰਸ ਟੂ ਟੱਚ ਦੀ ਫਲਾਵਰਸ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।